मैं पूरा ना रट के आती थी लाइन से लाइन, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन रटने वाली पूरी एग्जाम ना, लाइन टू लाइन आता है इतना ही लिखना अच्छा ये इसका, तो मैं रट के आती थी। तुम सब बताते हैं ये अच्छा ये मत करना क्योंकि इसमें वो हर्ट हो सकता है, ठीक है नहीं करते हैं ये मत करना उसमें वो हर्ट हो सकता है, वो भी नहीं करते हैं भाई तो ये तो बताओ लेकिन करें क्या, वो नहीं बताता लेकिन कोई लाइक सीनियर एक्टर जो हमारी फिल्म में है, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव दैट एक्टर, और हम इनकी फिल्में कितनी देखी है, हम तब भी सीखते थे अब सेक्टर भी सीखते हैं इनसे। हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्रेस, मेरा नाम श्रेयस है और सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस लव की अरेंज मैरिज के लिए। थैंक यू, इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग टू सी रोमकॉम कमिंग अप इन फिल्म्स दैट आर लार्जली यू नो वी सी वायलेंस एंड एक्शन, सो इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग टू सी रोमकॉम्स टेकिंग शेप। यू कैन से फैमकॉम एक्चुअली family comedy, rom-com with a family, yeah. Fam-com, आपने बोला था family, yeah. Family. Yeah. Family. Love these words. तो मुझे शुरू इसी से करना था आपको राजी और इशरत आपसे पूछ के कि rom-coms and family entertainers have been the you know selling point of Hindi films since 1990s 2000s and मुझे आपसे जानना था कि आप दोनों इस genre को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि आजकल हिंदी films में rom-coms थोड़ी कम बन रही है। जहाँ तक फिल्मों में कॉमेडी और शादी की जो बात है, आजकल शादी की फिल्में कम बन रही हैं क्योंकि शादियां कम कर रहे हैं लोग, मतलब जो अर्बन लोग हैं वो, और जिनकी शादियां हो भी गई हैं उन्हें अचानक ध्यान आ गया कि हमने क्यों की, वो डिवोर्स ले रहे हैं। आज के दौर में क्या हो रहा है कि आप देखते ना पुरानी शादी फिल्मों में शादियाँ हो रही हैं, विदाइयाँ हो रही हैं, रिचुअल्स किए जा रहे हैं, आज का ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है, कम फिल्म इसलिए बन रही है। हम लोग इस नज़रिए से देखते हैं इस फिल्म को कि आज के दौर में हमारा जो भारत देश है जहाँ पर हर तरीके के लोग हैं, आप जैसे साउथ इंडिया से आपने कहा जो जिक्र किया, मैं अभी साउथ इंडिया ही था, चेन्नई में था, मैं हर एक अपने रूट को पकड़ के रखा है, जबकि अभी मेट्रो सिटीज़ में बाकी जो आप नॉर्थ में जाएँ वहाँ लोग हटते जा रहे हैं उन सब चीज़ों से। तो शादी की फिल्मों को, शादी की जो रियलिटी है एक्चुअली वो इस फिल्म में हमने दिखाई है, जो होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर एंड एज अ सन अपने फादर के प्रति जो चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक शादी एक ऐसा माहौल होता है आप देखेंगे जहाँ पर परिवार एक साथ मिलता है, सारे रिचुअल्स होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये जुड़ने की कहानी जो शादियों में जो है वो होनी चाहिए जो इस फिल्म में हमने दिखाई। आप किस तरह से देखते हैं रोमकॉम एज अ जॉनर को? नहीं, रोमकॉम मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वो हो जो सब देखे, एंटरटेन करे। जैसे मोस्टली अपनी हिंदी फिल्म में आजकल बहुत ज़्यादा वायलेंस के कल्चर बहुत कम है, जैसे साउथ बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो रूट नहीं छोड़ रहे फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड ऑल। तो हमारी फिल्म के अंदर हमने वो सारा कल्चर रखा है, जॉइंट फैमिली, पेरेंट्स, माँ बाप, मतलब बेटा और बाप का रिश्ता, कि दोनों दोस्त की तरह कैसे रहते हैं, कल्चर क्या है, हर फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जब ऑडियंस देखेंगे इस फिल्म को तो दे विल फील लाइक नहीं यार ये हमारी फिल्म है, हमको इसको देखना चाहिए, वो एक फीलिंग आती है इसके अंदर। राइट, मेक सेंस। कमिंग टू अवनीत एंड सनी, आपका आपके पहले तो इस फिल्म में किरदार के बारे में बताइए और आपके कैसे इस फिल्म का हिस्सा बने। पहले तो लव इज द नेम ऑफ माई कैरेक्टर, जो कि थोड़ा सा जुगाड़ू भी है और एक छोटे शहर का लड़का है और वहाँ पे उसको प्यार हो जाता है, और फिर एक फादर और सन की कहानी भी है जिसमें एक सिंगल पेरेंट का पर्सपेक्टिव भी दिखाया गया है, और बाकी सारी चीज़ें एक अरेंजमेंट है, इट्स अबाउट लव, अबाउट थ्री फोर पीपल, बाकी तो आप जब देखेंगे जब पता लगेगा। प्लस इट्स वेरी क्वर्की, इट हैज़ सिचुएशनल कॉमेडी आल्सो यू कैन से, और सबसे बढ़िया बात है बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं, एंड इशरत सर ने डायरेक्ट किए हैं, राज सर ने राइट किए हैं, ऑल्सो ही प्रोड्यूस्ड इट, सो एवरीथिंग इन टोटैलिटी इज़ वेरी गुड। और ये ऐसी फिल्म आप हमेशा करना चाहते हैं, फिल्म का डिस्कशन हम करते थे हमेशा मैं उससे, तो ये था कि कब करें, कौन सी करें, ऐसा एक फिल्म थी, तो ही थॉट दिस इज़ द राइट स्क्रिप्ट फॉर मी, सो दैट्स द रीज़न आई वाज देयर। और फिर हमेशा से एक्साइटमेंट थी ये कब शुरू होगी, कब सेट पर जाएंगे, और जब ख़त्म भी हुई थी तो ऐसा लग रहा था एक दो दिन और कर लेते तो मज़ा आता। परफेक्ट। अवनीत, माय कैरेक्टर नेम इज इशिका एंड शी इज़ वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट,
very upfront, brave, all the things that a girl should be, and I think she's very inspirational, and I wanted to play a role like that because मैं बहुत ही चुपचाप टाइप रहने वाली हूँ, लाइक मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं एकदम से खुलती नहीं हूँ किसी के साथ, और मैं कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं अपने पॉइंट्स या व्यूज़ ज़्यादा नहीं रख सकती सामने क्योंकि मैं बोल नहीं पाती, बट शी इज़ सो कॉन्फिडेंट और जो उसके दिमाग में वो जो चाहती है वो बोलती है, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे और मैं सब प्ले करना चाह रही थी कैरेक्टर. एंड मीटिंग इशरत सर, राज सर, फर्स्ट जो हमारी नरेशन थी, आई रिमेंबर आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड आई कम्प्लीटली लव्ड इट. देयर सो मच, देयर इज लव, देयर इज सैक्रीफाइस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस कहानी में. कॉमेडी है नो डाउट, वी हैव द बेस्ट विद अस एनी वे फॉर दैट, बट देयर इज अ ब्यूटिफुल मैसेज एट द एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट. आई कांट रियली से much about it here, but आपको मैं ये बोलूँगी कि please love की arrange marriage देखिए Z5 पे 42. Perfect. Ishrat ji, coming to you, as we also discussed, Sunny also said कि apart from Avneet and Sunny, there's also a whole range of actors there. Supriya Pathak ji है, Anu ji है, Rajpal ji है. So इन सारे different कलाकारों को किस तरह से आपने एक तरह direct किया, वो कैसा experience था? नहीं, just all the senior actors ना, मतलब उनके साथ है कि आप जो काम करते हो तो आपको वो फील नहीं करने देते, कोई एटीट्यूड नहीं है, उनके अंदर आप फैमिली बन जाते हैं. जैसे राजपाल जी, अनु जी इज वेरी सीनियर, बट जो काम करते हैं सेट पे आने के बाद वो नहीं है कि मैं सीनियर हूँ या मैं सीनियर हूँ तुम मेरे को क्यों बता रहे हो, तुम अभी दूसरी फिल्म कर रहे हो मेरे को गाइड करोगे, मेरे को वो एटीट्यूड किसी के अंदर नहीं है. वो आने के बाद ऐसा लगता है कि वो बच्चे की तरह जुड़ जाते हैं जी. उनको मेरे को याद है, उनको अटैक आया था जब हॉस्पिटलाइज किया था अनु जी को, वो आने के बाद मेरे को डरता है यार, ही वॉज लाइक कि गाना कर रहे हो, डांस कर रहे हैं, मेरे को बोलना पड़ा नहीं यार, यू जस्ट संभालो थोड़ा. बट वो आल्सो हैड टू ऐड इन, जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं जब देखते गया तो मुझे स्क्रिप्ट सुना रहे थे. अच्छा, नहीं, ही वाज वेरी एक्साइटेड. राजपाल जी, मतलब आपको लगेगा ही नहीं, वो एक उनके अंदर बचपना है. बेसिकली जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक अलग ही होते हैं. राजपाल जी, मतलब आप राजपाल जी को बोलो कि कोई भी रोल, एनी रोल, वो उसके अंदर ऐसा जेल होता है आपको पता नहीं चलता. फिर मुस्ताक खान जी, सुप्रिया जी इज लाइक, आप उनको डॉन का करा लो या माँ का करा लो या कॉमेडी करा लो, वो डॉन में भी डॉन बन जाती है, माफिया में माफिया बन जाती है, और माँ में माँ बन जाती है. कमिंग टू यू राज, यू वर्कड एज अ राइटर, प्राइमरली राइटिंग कॉमेडी फॉर द पास्ट आई थिंक मेनी मेनी ईयर्स. यू स्टार्टेड एज यू नो राइटिंग फॉर कॉमेडी सर्कस, एंड सिंस देन वी हैव नोन यू. मुझे आपसे ये पूछना था कि व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड कॉमेडी? योर इमोशंस. इमोशन के बिना कॉमेडी क्रिएट नहीं होती, मैंने पहले भी कहा है. कोई अस्तित्व नहीं है कोई इमोशन के. हम जो कहते हैं खुशी के आंसू, तो वो इसलिए कहते हैं, हमने कभी जब भी आप कोई इमोशन से गुजरते हैं वो इमोशन ही आपको कॉमेडी कराने को मजबूर करता है. कहीं किसी को मैं आज जैसे कभी कोई केले के छिलके से पैर फिसलता है किसी का, हमारी हंसी निकल जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा इमोशन है. किसी को डरा दिया हमने, हाँ उसको तो हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन हमारी खांसी निकल जाती है. तो वो इमोशन से ही कॉमेडी जनरेट होती है. मैंने उसमें जब मैं कॉमेडी से लिखा करता था तो कुछ एपिसोड जब आए, लोग हंसे, लोगों को मज़ा आया, तो मैंने एक शायरी लिखी थी उस वक्त की, अगर दुनिया में गम ना होते तो मुमकिन है शायद हम ना होते, और इन खुशियों का एहसास होता भी तो कैसे अगर सोचों पर वो सितम ही ना होते. तो वो सितम और गम जब तक नहीं आएगा तब तक आप कॉमेडी जनरेट नहीं कर सकते. That's the only thing who can create comedy. Fair enough. Taking that a bit further, do you also think that as an artist, as a writer, you have a responsibility when, you know, writing comedy to not make fun of, you know, some vulnerable groups in society? Do you think of that while writing? See, main dobara bol raha hu, fun, comedy and humor ye teenon alag cheeze hain. Main kisi ka वे मजाक कर सकता हूँ, मजाक करना और उड़ाना बड़ी अलग चीज़ें होती हैं. आप एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक राइटर को कि कहीं कोई ऐसा चीज़ ना लिख दे जो शायद किसी को सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. लेकिन आज का दौर ऐसा है कि कौन कब हर्ट हो जाएगा समझ में नहीं आता है. तो उस दौरान ये इच्छा होती है कि हाँ, एक कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि हाँ लोग मज़ा लें और कॉमेडी को कॉमेडी के तरीके से ही ट्रीट करें. वरना कई लोग बड़े, आपने देखा होगा, कई लोग बड़े सीरियस होते हैं, मतलब बिना आईसीयू के सीरियस हो जाते हैं वो लोग, यू नो. ऐसे लोगों को थोड़ा सा सेंसर कभी होता है उसके वजह से. हाँ, हुआ है, कई दफ़ा हुआ है. बहुत सारे लोग आते हैं, बताते हैं, हमारे यहाँ रायचंद बहुत है ना हिंदुस्तान में, तो सब बताते हैं यार ये अच्छा ये मत करना क्योंकि इसमें वो हर्ट हो सकता है.
मैं कहा ठीक है नहीं करते हैं, ये मत करना उसमें वो हर्ट हो सकता है, मैं वो भी नहीं करते हैं भाई, तो ये तो बताओ लेकिन करें क्या, वो नहीं बताता लेकिन कोई तो क्या है कि वो अब आप आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ता है आज के टाइम में, कौन क्या कब किस चीज से नाराज हो जाएगा और लोग बैठे ही हैं कि मुझे नाराज करो, इसलिए बैठे हुए कि मैं हंस तो हंसूंगा नहीं मैं, लेकिन मुझे नाराज करो आप, वो इसलिए बैठे हुए, तो थोड़ी सी हमें थोड़ी सी रखनी पड़ती है आज के दौर में। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे कोई फ्रीडम में कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन एक थोड़ा सचेत रहना पड़ता है। As actors and especially working in comedy films, we've always heard this conversation about comic timing being very important. So, आप उसको किस तरह से navigate करते हो and while working in this film as well and in general? Like शुरुआत में जब हम acting class भी जाते थे या जहाँ पे भी हमने acting की theater की है, तो हमें basics पता थे। पर जब आप कैमरे के सामने होते सबसे पहले तो you feel nervous. But what I have learned इतने time से कि एक अच्छा एक्टर बनने की कोशिश की है और नेचुरल रहने की कोशिश की है। एक आप नेचुरल ह्यूमर होता है आपका, जो आप दोस्तों के साथ घर पे तो लोग काफ़ी हंसते हैं, तो आपको ये पता लग जाता है कि यार लोग हंसते हैं हमारी बातों पे जब हम जोक करते हैं। तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखी कि काम भी करना है तो अपना एक तरीका होता है विच इज़ नेचुरल, वही एक स्टाइल होता है, स्टाइल बनाने की कभी कोशिश नहीं की। और हमेशा जब डायरेक्टर की बात सुनिए, उनको उनके साथ जलब करे, कनेक्ट करे, जो वो चाहते हैं अगर उनको लगता है नेचुरली हम कर रहे हैं, तो वो एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम विद एक्टर्स लाइक सीनियर एक्टर जो हमारी फिल्म में है, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव दैट एक्टर्स, और हम इनकी फिल्में कितनी देखी है हमने, हम तब भी सीखते थे अब सेट पर भी सीखते हैं इनसे। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस फिल्म से हम कहीं दूसरी फिल्म पर गए तो हमें याद रहता है कि इन्होंने कैसे एक्टिंग की थी, वो सीन कैसे किए थे, तो हम इस तरीके से वो एक लेयर आप क्रॉस कर जाते हो, तब आप खुद भी बेहतर होते हो और आप एवरी ईयर यू कीप डूइंग फिल्म्स यू हैव टू ग्रो एज एन एक्टर। और कॉमेडी आई थिंक फॉर एन एक्टर इज मोर नेचुरल, और एक डायरेक्टर हैं जो आपका विजन समझते हैं, उनको पता है कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी रेंज क्या है, तो वो उसके हिसाब से वो डायरेक्ट करते हैं और पता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर कर सकता है, वो दिखता है। इम्प्रोवाइजेशन हुए थे, इम्प्रोवाइजेशन सबसे ज़्यादा इसलिए भी हुए थे बिकॉज सर थे, इशरत सर थे और जितने भी एक्टर्स हैं हमारे सीनियर एक्टर, दे हैव समथिंग ऑन द प्लेट, लाइक ऑल द सीनियर एक्टर्स ही आर रेडी विद इम्प्रोवाइजेशन। मैंने भी फिल्में की हैं बट यू नो व्हेन राजपाल यादव सर इज देयर एंड व्हेन अनु जी इज देयर, सुप्रिया मैम इज देयर, मुश्ताक सर, दे उनको एक लाइन दे दो वो 10 तरीके से बता देंगे आपको। Exactly. तो वो मैच नहीं कर पाएंगे, पर हमें उनके साथ देना, उनसे सीखना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम सब एक तरीके से काम कर सकें। राइट, फेयर एनफ। अवनीत, हाउ डू यू नेविगेट कॉमिक टाइमिंग? आई थिंक आई कांट रियली टॉक अबाउट मतलब सीन्स के बारे में, इस फिल्म के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता सकती आपको, बट जस्ट इन जनरल व्हाट योर प्रोसेस। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस एंड दे वर वेरी एक्साइटिंग एंड फन, आई यूज्ड टू गो अलोंग विद इट। आई रिमेंबर मतलब सेट पे तो बहुत ही हुआ था, राजपाल सर भी अपनी व्यूज के साथ आते थे, अनु सर भी, मैम भी, सब एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे एंड वी यूज्ड टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल सीन टुगेदर। सो दैट बॉन्ड, दैट यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर देयर ऑन सेट, सो दैट वी ऑलवेज हैड ऑल्सो। बट आई थिंक व्हेन आई वाज मे बी स्टार्टिंग, बेसिक्स तो देखो सबको ही पता होता है, बट जब मैं स्टार्ट कर रही थी, आई रिमेंबर एक टाइम होता था जब एक्टर्स थोड़े इम्प्रोवाइजेशन कर देते थे और मैं पूरा ना रट के आती थी लाइन से लाइन, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन रटने वाली पूरी एग्जाम्स में भी मुझे ना लाइन टू लाइन आता है कि इतना ही लिखना अच्छा ये इसका, तो मैं रट के आती थी पूरा। तो उस टाइम पे मैं रट के आती थी और ऐसे एक्शन चलो रटा बोल दिया, डर बोल दिया, आगे से उसने कुछ और बोल दिया, मैं फ्रीज हो गई वहाँ, मेरे को समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या, कट, अरे क्या बोलो ना कुछ ऐसे अपने, मैंने कहा सर मैं क्या बोलूँ, पर आपने तो ये लिखा है ना स्क्रिप्ट में, मैं कैसे कुछ बोलूँ। तो उस टाइम नहीं समझ में आता था, बट आई जस्ट डिड अ फिल्म विद नवाज सर, उसमें एक सीन है बहुत अच्छा, तो उसमें सर ने भी मुझे नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ऑल ऑफ अ सडन सेट पे ऐसा हो गया कि कंगना मैम भी थी वहाँ पे, तो सेट पे ऐसा हो गया कि सर ने बोला नो ऐसे, तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा अरे बाप रे तो था नहीं सीन में, नो नो नो, एंड ही स्टार्ट्स पंचिंग द सैंड, लाइक बीच पे हम लोग शूट कर रहे हैं सर पंच कर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। अब उस टाइम पे मेरे पास एक था, मैं सोची थी अब यहाँ पे भी तो बोल सकती है कि अरे ये, बट नहीं, आई स्टार्टेड यू नो रनिंग विद यू, मैंने स्टार्टेड टू प्ले अराउंड माई कैरेक्टर दिमाग में रख के,
तो आई थिंक वो सीख आई थोड़ी सी धीरे धीरे, समझ में आया कि हाँ इम्प्रोव्स होते हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ ब्यूटीफुल सीन एट द एंड ऑफ द डे. हाउ लवली. थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर लव की अरेंज मैरिज दैट्स कमिंग आउट ऑन Zee5 ऑन 14th of June. थैंक यू सो मच. थैंक यू.